नमस्कार मित्रों, आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए इस वक्त की बड़ी खबर शिव विधानसभा क्षेत्र से आ रही है। युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और बीजेपी का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दरअसल हाल ही में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन रविंद्र सिंह भाटी को शिव से भारतीय जनता पार्टी का टिकट नहीं मिलने की वजह से रविंद्र सिंह भाटी बीजेपी पार्टी के बागी हो गए और उन्होंने शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय ताल ठोकी। वही बात करें रविंद्र सिंह भाटी की तो रविंद्र सिंह भाटी इस बार शिव विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और बीजेपी को बड़ा झटका भी दे सकते हैं और पूरे प्रदेश की नजरें शिव विधानसभा क्षेत्र पर टिकी हुई है, क्योंकि रविंद्र सिंह भाटी एक ऐसे नेता है जो सबसे कम उम्र के युवा और दबंग नेता भी माने जाते हैं। और पिछले कई महीनों से जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी संघर्ष करते आ रहे हैं, उससे साफ नजर आता है कि इस बार शिव की जनता रविंद्र सिंह भाटी को पूर्ण समर्थन भी कर रही है। और इन दिनों की बात करें तो शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी युवाओं की पहली पसंद बनकर आ रहे हैं। और हाल ही में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी ने आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए नामांकन दाखिल किया, वो भीड़ बता रही थी कि रविंद्र सिंह भाटी का दबदबा शिव क्षेत्र के अंदर कितना बढ़ता जा रहा है। वही कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि अगर रविंद्र सिंह भाटी को बीजेपी से टिकट मिलता तो उनकी जीत और भी आसान हो जाती, लेकिन शिव की जनता का आशीर्वाद देखते हुए रविंद्र सिंह भाटी ने शिव विधानसभा में निर्दलीय ताल ठोकी। और ऐसा भी हो सकता है कि रविंद्र सिंह पार्टी एक बार फिर इतिहास भी रच सकते हैं, क्योंकि जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर भी रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे और एक बार फिर इतिहास को दोहराने के लिए शिव विधानसभा क्षेत्र से फिर से निर्दलीय ताल ठोकी। और संभावनाएं ऐसी भी जताई जा रही है कि शिव विधानसभा क्षेत्र के अंदर रविंद्र सिंह भाटी कांग्रेस और बीजेपी को पछाड़ते हुए बढ़त भी बना रहे हैं। और इन दिनों में जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी के अंदर जोश और जरूर जुनून है, उनसे साफ लगता है कि जरूर इस बार कामयाब भी होंगे और कांग्रेस और बीजेपी को ये भी बता देंगे कि हम किसी भी पार्टी और पद के गुलाम नहीं है। लेकिन पूरी स्थिति तो चुनाव के बाद ही पता चल पाएगी। और जिस तरह से रविंद्र सिंह भाटी को शिव की जनता का समर्थन मिल रहा है, उसको देखते हुए रविंद्र सिंह भाटी शिव विधानसभा क्षेत्र से नंबर वन पर भी आ रहे हैं। धन्यवाद मित्रों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।